आरसीबी की हालत बद से हो रही है बदतर। कल भी किंग्स इलेवन पंजाब के हाथों जस्ट 138 रन्स, 139 का टारगेट, उसमें भी 119 पे लिबड़ गई सारी टीम। गेल फेल, विजय माल्या को लंदन में मिल रही है बेल, पर आरसीबी की नैया नहीं कर पा रही इससे। निकल चुका है इनका पूरा तेल, विराट कोहली भी होने लगे हैं अब फेल। चोर और भगोड़े विजय माल्या को करोड़ों अरबों लोगों की हाय लगी हुई है, तो भैया आरसीबी को कौन बचाए है? हमारे गोल्डन टच वाले स्किपर विराट कोहली को भी साला नमूना बना के छोड़ दिया। वो विराट कोहली जिसके कान में सिर्फ टारगेट बता दो, 20-20 और 50 ओवर्स में उसका कोई मुकाबला नहीं था, चेस कर कर ही मानता था, उसकी बैट बॉल पे नहीं लग रहा। ये किसानों की हाय है विजय माल्या, इस देश के जवानों की हाय है जो 9,000 करोड़ रुपया लेकर तुम पाप पेटे अयाशियां कर रहे हो, तुम्हारे पाप का नहीं है, इस देश के टैक्स का पैसा, वो टैक्स जो एक किसान, एक जवान, एक आम मिडिल क्लास इंसान अपनी जेब से देता है। SBI, ICICI, HDFC, इन सब बैंकों के टॉप नॉच ऑफिशियल्स को खरीद कर तूने कर लिए बहुत हराम खोरी। इन अफसरों के भी डंडे पड़ने चाहिए सबको अंदर करो सालों को। ये पैसा इन बाप बेटे से वापस लो और दो उन किसानों के परिवारों को जिन्होंने खुदकुशियां की है, दो उन जवानों को के परिवारों को जो बॉर्डर पर मरे हैं देश के लिए। सिद्धार्थ माल्या को अरेस्ट करो, बाप बाहर भागा हुआ है ना वो, तो यहाँ पर डंडे मारो इनके, इनकी टीम की नीलाम करो। आरसीबी जितने में भी बिकती है 3,000 करोड़, 4,000 करोड़ भरपाई करो पैसे की। एक किंगफिशर विला साला गोवा में 10 साल से सेल पे लगा रखा, अब जाके 73 करोड़ में बेच के कह रहे भरपाई की है। घंटा, इसे भरपाई नहीं कहते, भरपाई नहीं है, मलाई खा रहा है विजय माल्या, सिद्धार्थ माल्या दोनों। उसको अगर इंग्लैंड से नहीं ला सकते, इसको पकड़ो लड़के को, उसके ये भी भाग गया है तो कंपनियां सील करो, वो नहीं कर सकते तो आरसीबी तो दिख रही है हार हार कर बुरा हाल है, पर आज भी 4,000 करोड़ की में बिक जाएगी। साला उसको बेचो जो लेता है, उससे पैसा पकड़ के किसानों और जवानों को दो, दोनों पाप बेटे में से जो मिलता है उसे अरेस्ट करो। कमिंग बैक टू क्रिकेट, आरसीबी एंड गुजरात लायंस तो निकल गए भैया, मुंबई KKR और SRH तो पहुंच जाने चाहिए, बाकी जो चौथे नंबर की लड़ाई है उसके लिए किंग्स इलेवन अपने धोनी साहब की राइजिंग पुणे और तीसरी वो दिल्ली डेयर डेविल्स, तो क्या चेस किए हैं भैया। ऋषभ पंत, संजू सैमसन काबिले तारीफ, क्या बैटिंग की है, ऋषभ पंत को तो मान गए, सेंचुरी नहीं बजी पर लानत में जाए ऐसी सेंचुरियाँ जो देश के काम में है, टीम के काम में है। ऐसे 97 के लिए अमित दत्ता सर झुका कर तालियां मारता है जो अपनी टीम को चिता कर जाते हैं। तो दिल्ली की बॉलिंग में लगता था दम, पर बॉलिंग में पड़ गए रन, पर बैटिंग किस तरह उभर के निकली। अभी इकलौती टीम बन गई है जो चेज भी कर सकती है और पहले बैटिंग भी कर सकती है, तो ये टूर्नामेंट के लिए बहुत अच्छा, चौथे नंबर के लिए है तगड़ी लड़ाई। देखते हैं चौथे नंबर पे आता कौन है आखिरकार मेरे भाई। IPL 2017 ऊपर से नीचे आगे से पीछे तक सब कुछ एक ही चैनल पर, द ब्रांड अमित दत्ता के चैनल पर। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू योर फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट एंड योर फेवरेट टूर्नामेंट IPL, Vivo IPL 2017। आपका होस्ट, आपका दोस्त, the brand of Amit Dutta.
साइनिंग ऑफ।